जय। आज मैंने कुछ सोचा है। कभी कभी ये काम भी करना चाहिए। आज मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। मैं बताऊं तेरा बहुत बड़ा फैसला, तू बसंती से शादी करना चाहता। अरे वाह वाह वाह, तू मेरा सच्चा यार है। एक यार ही यार के दिल की बात जान सकता है। और वो यार ये भी जानता है कि इस साल में शादी का ये तेरा 8वां फैसला है। ये फाइनल है यार। फाइनल? सुबह से दारू पी रहा ना यार। पार्टनर मेरा एक काम कर दे यार। वो बसंती है ना, उसकी मौसी के पास जाकर मेरे रिश्ते की बात कुछ इस ढंग से कर कि मौसी शगुन लेके आ जाए। मैं क्यों करूं? अरे लड़के वाले ही तो जाते हैं लड़की वालों के घर। जय, और फिर इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा है कौन? देख, शादी तूने करनी, तू जाके बात कर। जरा सोच, शादी के बाद एक घर होगा। घर तो तेरा होगा। एक बीवी होगी। तेरी होगी। 7-8 बच्चे होंगे। तेरे होंगे। पर चाचा चाचा तो तुम्हें बोलेंगे ना। प्यार से तुम्हारी गोद में खेलेंगे, तुम्हारे कंधों पे झूला झूलेंगे और तोतली जबान में बोलेंगे, ताता ताता हमको कहानियां सुनाओ। यानी शादी के बाद तेरे घर में मुझे आया की नौकरी मिलने वाली। समझा, तू मेरा दोस्त नहीं है। लानत ऐसी तो। इसीलिए अकड़ रहा है ना कि मेरा ये काम तेरे बगैर दूसरा कोई नहीं कर सकता। आज मेरी माँ होती तो मेरी कब की शादी हो चुकी होती, मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे होते। आज मेरा बाप होता तो बैंड बाजे के साथ मेरी शादी करके लाता। मेरे भाई बहन होते वो मौसी के पैर छूकर भी बसंती की शादी मुझसे करवा देते। लेकिन ये मत भूल जाए, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान, तू वो दोस्त नहीं रहा। तू नहीं चाहता मैं बुरे धंधे छोड़कर घर गृहस्थी बसा सकूं। मैंने तुझे क्या समझा था जय, लेकिन तू तू क्या निकला? साला नौटंकी, घड़ी घड़ी ड्रामा करता है। चल बस बस, बहुत हो गया है, मैं मौसी जाके बात कर लूंगा। सच? बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।